नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मंजू और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी नियोपेप्टिन सिरप के बारे में। तो नियोपेप्टिन सिरप क्या है, ये क्यों बच्चों को दिया जाता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। नियोपेप्टिन क्या होता है? तो नियोपेप्टिन इज़ अ मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप इन केस ऑफ चिल्ड्रेन। अगर बच्चों को, छोटे बच्चों को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो इस केस पे ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं नियोपेप्टिन सिरप। यहाँ मैंने एक टर्म यूज़ किया है, एंजाइम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये टर्म को थोड़ा डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि एंजाइम क्या है। तो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो उस केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, उसको बूस्टअप करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर टर्म यूज़ किया है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि नियोपेप्टिन सिरप को कहा गया है कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो एंजाइम मतलब कि वो केमिकल रिएक्शन को बूस्टअप कर रहा है। और यहाँ पे उससे पहले है डाइजेस्टिव, मतलब कि डाइजेस्टिव, डाइजेशन को ये बढ़ाता है। तब हम लोग बात करेंगे इसे कंपोजिशन के बारे में, इसमें क्या होता है। तो जो सिरप है उसका दो कंपोजिशन है, पहला है अल्फा एमाइलेज और दूसरा है पपेन। लेकिन अगर जो ड्रॉप की मैं बात कर रही हूँ तो ड्रॉप में पांच है। पहला तो अल्फा एमाइलेज है, उसके साथ साथ पपेन भी है, लेकिन तीन जो है एसेंशियल ऑयल है। तो एसेंशियल ऑयल में पहला है कैरावे ऑयल, दूसरा है एनीस ऑयल और तीसरा है डिल ऑयल। ये कुछ नहीं है, एक हम लोग हिंदी के टर्म में बोल सकते हैं कि जो एनीस ऑयल है ये है सौंफ का तेल, जो कैरावे ऑयल है वो है जीरा का तेल, और डिल है वो है आपका सोवा का तेल। तो ये कुछ नहीं करता है। जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको गैस की प्रॉब्लम हो रही है, इनडाइजेशन के साथ साथ अगर गैस फॉर्म कर रहा है, पेट फूला हुआ है, तो उसको गैस को निकालने में हेल्प करता है। तो इसलिए उनके साथ ये हम लोग एसेंशियल ऑयल उस ड्रॉप में ऐड किया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि अल्फा एमाइलेज क्या है और पपेन क्या है। तो अल्फा एमाइलेज एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, जिसको कि एक्सट्रैक्ट किया गया है, प्रिपेयर किया गया है एक फंगस से, उसका नाम है एस्परजिलस। ये क्या करता है, जो स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के ग्लूकोज के फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में तोड़ता है, और हमारे बॉडी से, हमारे शरीर से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सेम इसी तरह से काम करता है पपेन। पपेन को हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अनराइप पपाया से, उसको कच्चा पपीता से निकाला गया है। और ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि प्रोटीन पे एक्ट करके उसके छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है, अमाइनो एसिड के फॉर्म में तोड़ता है, जो हमारे बॉडी में जाके एब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड में जाता है और हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, जो भी हम लोग मील ले रहे हैं, तो उनका एब्जॉर्प्शन होने के लिए, उनका अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होने के लिए, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। क्योंकि वो ब्रेक डाउन्स होंगे तो उसमें जो भी मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, जो भी फैट, प्रोटीन जो भी है, उनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है और हमारे शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। अगर इनका ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, न्यूट्रिशन तो पहली बात हम लोग को मिलेगा नहीं, दूसरा बात है खाना का जैसा का तैसा ही हमारे शरीर में पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो फ्लोरा है, गट का जो फ्लोरा है, बैक्टीरिया है, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसके ऊपर वो एक्ट करेंगे, जिसके कारण उसका फर्मेंटेशन होता है, उसको सलाएंगे, और उसकी वजह से गैस फॉर्म कर सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बच्चों को अनइजीनेस हो सकता है। इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर छोटे बच्चों को ही क्यों देखा गया है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है। तो पहला कारण मैं आपको बता दूं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका जो GIT सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो खासकर पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जहाँ से कि डाइजेस्टिव एंजाइम निकलता है, हर तरह का एंजाइम निकलता है ज़्यादातर, उसमें से डाइजेस्टिव एंजाइम भी निकलता है, वो प्रोसेस, उसका जो प्रोसेस है बनने का, वो भी चलते रहता है, वो फुली डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेगा नहीं, बच्चों को इनडाइजेशन होगा। इसलिए हम लोग ऊपर से डाइजेस्टिव एंजाइम सिरप बच्चों को देने के लिए बोलते हैं। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम एडल्ट्स को भी हो सकती है, बुजुर्ग को भी हो सकती है, एल्डरली को भी हो सकती है। तो उसका कारण है कि अगर बड़ों में चाहे एल्डरली में पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है किसी वजह से, क्या तो कोई बीमारी है पैंक्रियाज का, चाहे उसका कुछ भी फंक्शनली वो कुछ डिफेक्ट है, तो अगर काम नहीं कर पा रहा है जिसके वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकल पा रहा है, इस वजह से बड़ों को भी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में भी हम लोग बड़ों को डाइजेस्टिव एंजाइम के फॉर्म में नियोपेप्टिन सिरप दे सकते हैं।
या तो एडिस्ट्रोजाइम एक और सिरप है, वो भी हम लोग दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो ये बता दूं कि ये बहुत ही सेफ ड्रग है, यूजुअली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। रेयरली कभी डायरिया हो सकता है या तो कोई भी एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, वैसे ये बहुत ही सेफ ड्रग है, आप इसको दे सकते हैं बच्चों को। अब हम लोग बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ये सिरप दें तो ऑलवेज आफ्टर मील, हमेशा खाने के बाद दें, खाने से पहले देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम है डाइजेशन कराना, डाइजेस्ट खाना कराना। तो जब भी आप दें इसको हमेशा खाने के बाद दें। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। यूजुअली अगर बच्चे का एज 1 साल से कम का है तो उस केस में आप 0.5 ml सुबह शाम करके डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। तो 0.5 में 10 ड्रॉप आता है, तो ड्रॉप के फॉर्म में आता है, तो 5 ड्रॉप सुबह में खाने के बाद और 5 ड्रॉप शाम को खाने के बाद आप उसको दे सकते हैं अगर बच्चा के एज 1 साल से कम का है। अगर बच्चा के एज 1 साल से ज़्यादा का है तो इस केस में हम लोग 5 ml, यूजुअली 5 ml डिवाइडेड डोज में देते हैं आफ्टर मील। मतलब कि आप उसको 2.5 ml आफ्टर मील सुबह दे सकते हैं और 5 ml आफ्टर मील आप उसको शाम को दे सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो बच्चे फार्मूला मिल्क लेते हैं, पाउडर के फॉर्म में जो दूध लेते हैं, चाहे जो गाय का दूध लेते हैं, उन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन जो बच्चे अगर माँ का दूध पी रहे हैं, सिर्फ ब्रेस्ट फिट कर रहे हैं, उन लोगों को देखा गया है कि इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। तो इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो माँ का दूध है, उसमें न्यूट्रिशन जो रहता है, जो बच्चों के जरूरी डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन होता है, उसके साथ साथ उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी रहता है। इसलिए ब्रेस्ट फिट जो बच्चे करते हैं उन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। लेकिन जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं, जो पाउडर के फॉर्म लेते हैं, जो गाय का दूध लेते हैं, उस केस में जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो लैकिंग होता है, वो नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को ज़्यादा इनडाइजेशन होता है, गैस फॉर्म करता है जो फॉर्मूला मिल्क बच्चे लेते हैं। इसलिए ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क फॉर बेबी। बट इससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो भी बच्चे अगर ब्रेस्ट फीड करते हैं, जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, इस केस में नियोपेप्टिन ड्रॉप या सिरप जो है वो रेयरली दें। अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तब दें, रेगुलर बेसिस पे ना दें, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम तो ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन उसके साथ जो न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन हुआ, इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग जो उनका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो रहता है, तो क्या करता है कि अगर हम लोग ऊपर से उसको डाइजेस्टिव एंजाइम देंगे तो वो जो प्रोटीन होता है जो बच्चों को ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, वो डीनेचर हो जाता है, उसका वो काम नहीं करता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ अल्टरनेट ब्रांड के बारे में जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, जो है मेरीजाइम, डाइजीपेम, बेस्टोजाइम और फाइवजाइम। ये एक सिरप के फॉर्म में है, ये ड्रॉप के फॉर्म में है। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या नियोपेप्टिन सिरप को हम लोग डायरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, डायरिया को क्योर कर सकता है। यूजुअली नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है तो ज़्यादातर कॉज होता है इन्फेक्टिव, इन्फेक्शन के कारण, और इन्फेक्टिव कॉज में नियोपेप्टिन का कोई रोल नहीं है। अगर बच्चों में डायरिया हो रहा है इनडाइजेशन की वजह से, तो इस केस में हम लोग नियोपेप्टिन सिरप दे सकते हैं, इन्फेक्टिव कॉज में नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरिया के ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग बिल्कुल ही नहीं मानते। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो मैं फिर से कहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। हम लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपके क्वेश्चन के आंसर हम लोग दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।